बसपा का दामन छोड़ घर वापसी पर सपाइयों ने परवेज आलम का किया जोरदार स्वागत। बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर सपाइयों ने परवेज आलम का देवरिया के पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम सपा जिला अध्यक्ष व्यास यादव ने किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही मीडिया से बातचीत में परवेज आलम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में टक्कर कोई दे सकता है तो वह सिर्फ समाजवादी पार्टी है, इसलिए मैं फिर समाजवादी पार्टी में वापस आया हूं और पूरी ईमानदारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन की है, आप सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे का कारण यह था कि केवल एक समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हुआ है। जहां एक तरफ संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है ना, सामाजिक आजादी नहीं है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, और जहां लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, जमहूरियत के ऊपर खतरा है, अगर इससे कोई निजात दिला सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी दिला सकती है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी दिला सकते हैं। और समाजवादी पार्टी की नीतियां ऐसी है कि वो सब समाज को लेकर के चलती है। आपने देखा होगा इससे पहले भी जब भी हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने ऐतिहासिक विकास काम किए, सौ समाज के लिए उन्होंने किया। ऐसा मुख्यमंत्री न देश में कभी हुआ है न कभी होगा। आप बीएसपी छोड़ के सपा में आए, जब आपने सपा छोड़ा था बीएसपी ज्वाइन किया था, कुछ आपके मानक होंगे जो बीएसपी को बहुत आपको बहुत अच्छा लगा बीएसपी में, अब वो कौन से मानक अच्छे हो गए हैं जो आपने सपा ज्वाइन कर लिया? देखिए बहुजन समाज पार्टी ने मुझको 2022 में टिकट दिया, वो परिस्थितियां कुछ और थी, कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी और हम लोगों ने जीवन भर सिद्धांत और वसूलों की राजनीति हम लोगों ने किया। 2022 का मैं चुनाव लड़ा, जनता ने हमें बहुत अच्छा सहयोग आशीर्वाद दिया, अच्छा वोट दिया, उसके लिए मैं पत्थर देवा की जनता को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुझे लगा कि जिस समाज की मैं राजनीति करता हूं, जिसकी मैं लड़ाई लड़ता हूं, वो कहीं कमजोर पड़ता दिखाई देता और भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग देश और प्रदेश की राजनीति से सत्ता से हटाएंगे नहीं तो किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, किसी जात धर्म के लोगों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर पार्टी है और मैंने खुद ही, बहुजन समाज पार्टी ने मुझे नहीं निकाला, मैंने खुद ही बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र देकर के और हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे, उनके नेतृत्व में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। आप सब जानते हैं देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी, राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरह की भी जिम्मेदारी देगी, जिला संगठन जिस तरह का मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं उस जिम्मेदारी को एक सक्रिय कार्यकर्ता के हैसियत से पूरा करता हूँ। देखिए देवरिया गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ये सब कुछ वो जानते हैं, उसके बाद भी अगर ये सीट देवरिया की सीट गठबंधन में जाती है तो ये जान लीजिए गठबंधन में जाएगी भले, लेकिन इस सीट को समाजवादी पार्टी के लोग ही लड़ेंगे। समाजवादी, ये जनपद देवरिया समाजवादियों की धरती रहा है और निश्चित रूप से इससे पहले भी समाजवादियों ने यहां परचम लहराया है। एक जमाना ऐसा था कि 7 विधानसभा में 6-6 विधानसभाओं पर समाजवादियों का कब्जा था, 6-6 एमएलए थे समाजवादियों में। तो मुझे विश्वास है ये क्रांतिकारियों की धरती है, समाजवादियों की धरती है,
गठबंधन का प्रत्याशी माने नहीं रखता। हम अखिलेश यादव जी के नाम पे, सभ्य नेता जी मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे, पार्टी के नाम पे हम लोग भारी वोट करके अपने प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। 2022 में आप बसपा में लड़े तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके जाने से, आपके चुनाव लड़ने से पर हरदेवा की जो सीट है वो शायद आप लोगों के हाथ से निकल गई? ऐसा नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मैंने कहा कि राजनीतिक मजबूरियां होती हैं और पार्टी ने जो भी निर्णय लिया उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वो तब की बात थी। और घर का भूला अगर शाम, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौटता है तो उसे भूला नहीं। ये मेरा घर है, मैं अपने घर पुनः वापस आया हूं, अपने परिवार में आया हूं, अपने पार्टी में आया हूं, अपने नेता के पास लौट के आया हूं। तो मुझे विश्वास है कि मेरा नेता जो है, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद और स्नेह हमारे ऊपर सदा रहा। क्या महसूस हो रहा है आपको? आपके पिता जी मंत्री जी के सपनों को अधूरे सपने में, मैंने एक नारा बताया कि स्वर्गीय साकिर अली के अधूरे काम अब परवेज आलम तेरे नाम, जो मेरे पिताजी का सपना था, अधूरे सपने रह गए थे, उसको मैं पूरा करूंगा राजनीति में आगे बढ़ करके। और मेरे पिताजी ने जीवन पर्यंत 86 से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, तब से उन्होंने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों सबकी लड़ाई लड़ी, समाज के हर तबके की लड़ाई लड़ी, उनके सामाजिक स्तर को उठाने की लड़ाई लड़ी उन्होंने। काफी परिवर्तन भी आपको देखने को मिला, और जब भी उन्हें मौका मिला तो क्षेत्र का ऐतिहासिक उन्होंने विकास किया। कुछ उनके अधूरे सपने रह गए हैं, आप सबका आशीर्वाद और पत्थरदेवा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो उसको मैं पूरा करने जा रहा हूं।